शूटर नंबर एक और बगल में पिस्टल, शूटर नंबर दो और बगल में पिस्टल, शूटर नंबर तीन बगल में देसी कट्टा, तीन शूटर तीन हथियार और तीनों जख्मी। इनकी ये हालत लखनऊ पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद हुई, क्योंकि ये तीनों बिहार के कुख्यात गैंगस्टर रईस खान के शूटर हैं, जिनके लखनऊ में होने की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली थी। जब इन्हें पुलिस ने बाइक पर जाता देखकर रोकने की कोशिश की तो इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सीधे पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका नतीजा क्या हुआ ये आपके सामने है। आज सुबह कैंट थाना अंतर्गत लोको तिराहे से यदुनाथ की तरफ जाती हुई रोड में हमारे मुखबिर ने ये सूचना दी कि बिहार का एक बहुत कुख्यात गैंगस्टर है रईस खान, जिसके शूटर्स वहां टहल रहे हैं और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। और उनमें से वो शूटर्स भी हैं जिन्होंने गत महीने जो वीरेन ठाकुर थे उनकी हत्या भी की थी। तो इसी सूचना पे कैंट पुलिस, आशियाना पुलिस, डीसीपी पूर्वी क्राइम टीम और क्राइम ब्रांच लखनऊ को रवाना किया गया। वहां पे तीनों बदमाशों को एक बाइक में देखा गया। जब पुलिस टीम ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने अपनी तरफ से फायरिंग की, जिसके बदले में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की आत्मरक्षा में। तीनों बदमाशों को गोली लगी है। जो तीनों बदमाशों के नाम जो प्रकाश में आए हैं उनका नाम है कासिफ, मुन्ना और मोहम्मद फैजल। कासिफ के बाएं पैर में गोली लगी है, मुन्ना के दोनों पैरों में गोली लगी है और मोहम्मद फैजल के दाहिने पैर में गोली लगी है। इनको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों शूटर पुलिस की गोली से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार तीनों शूटर की पहचान कासिफ, मुन्ना और मोहम्मद फैसल के तौर पर हुई है। बकौल पुलिस, आरोपी बीते दिनों हुई ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर की हत्या में भी शामिल थे। पुलिस को शक है कि लखनऊ में हथियारों के साथ आने का इनका मकसद एक बार फिर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना हो सकता है, लेकिन अलर्ट पुलिस ने वक्त रहते इन्हें दबोच लिया और वारदात को होने से पहले ही टाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।